5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और ऐसे में लखनऊ के जो पुलिस प्रशासन है और लगातार के जीएमयू भी मिलकर पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, जहां पे पेड़ वितरण भी किया जा रहा है, साथ में भगवद गीता का पीपी पुस्तक भेंट की जा रही है और केजीएमयू और प्लस डीसीपी पश्चिम के द्वारा ये एक सराहनीय पहल की जा रहा है। 100 पेड़ हैं जहाँ लोगों को तीमरदार और पीड़ितों को पेड़ दिए जा रहे हैं, जहाँ पे जैसे जामुन के, अमरूद के, तमाम ऐसे वैरायटी के अलग अलग पेड़ हैं, जहाँ पे पुलिस प्रशासन और केजीएमयू के संयुक्त रूप से ये पहल की जा रही है। और वहाँ पे भगवद गीता जो पुस्तक है उसमें बताया गया है कि पेड़ का महत्व क्या है, उसकी महत्वता क्या है, जीवन में उसका वैल्यू क्या है, उसको भी लेकर जो पुस्तक है उसमें दर्शाया गया। और देखेंगे तमाम लोग जो है यहाँ पे वृक्षारोपण के लिए पेड़ वितरण किया जा रहा है, लगातार पुलिस प्रशासन और केजीएमयू के सहयोग से ये कार्य किया जा रहा है। पर्यावरण दिवस के मौके पर इस पेड़ की जीवन की जो महत्वता है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। साथ खुद डीसीपी पश्चिम है और उनसे बात करते हैं। सर कैसे मना रहे हैं और पुस्तक का भेंट करने के पीछे वजह? डीसीपी सर, पुस्तक आप गीता भेंट कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, उसमें क्या महत्व बताया गया? आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है और इस दिवस पर हम लोगों ने ये आयोजन किया है केजीएमयू प्रशासन के साथ मिल करके और व्यापार मंडल के साथ भी मिल करके कि लोगों को जागरूक किया जाए पर्यावरण के प्रति। और इसी के तहत हम जो है आज सभी लोगों को जो है वृक्ष दे रहे हैं, पेड़ दे रहे हैं और इसके साथ में भगवद गीता भी दे रहे हैं। ये इसलिए दिया जा रहा है कि अनादिकाल से जब से ये पृथ्वी है प्रकृति से मनुष्य का एक अटूट लगाव है और ये प्रकृति से जब तक हम लोग जुड़े रहेंगे तब तक हमारा अस्तित्व है। ये पेड़ जो है पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारे जीवन के लिए भी ज़रूरी है, ऑक्सीजन इन्हीं से मिलता है। आप देखेंगे कि भगवद गीता में भी और तमाम सारे धर्म ग्रंथों में भी वृक्षों की पूजा की जाती है, उनको देवता और देवी का दर्जा दिया गया है। नीम के पेड़ को जो है नीवा माई लोग गाँव में कहते हैं, पीपल के वृक्ष को जो है वासुदेव के रूप में पूजते हैं, तमाम सारे आंवला के वृक्ष को पूजते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ इस तरह के धर्म ग्रंथों में है वो कहीं ना कहीं कोई फिलॉसफी लेकर के है और फिलॉसफी यही है कि इन वृक्षों को अगर हम लगाते रहेंगे, इन वृक्षों की हम अगर सेवा करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी उसी तरह सुरक्षित रहेगा। आज हम यही संदेश दे रहे हैं। अभी दूर होती है अगर वृक्ष लगाया जाए घर के आंगन में तो निश्चित रूप से जो हमारे वृक्ष हैं ये इसमें औषधियाँ भी हैं और इनमें तमाम तरह के जो है ऐसे हैं जिनसे कि हम लोग जब बीमारियों को आयुर्वेद में भी इनका उपयोग किया गया है। तो इसी के तहत जो है हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और अवेयर भी कर रहे हैं ये पर्यावरण के प्रति और इनको बता भी रहे हैं कि इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। इसके लिए पानी की व्यवस्था हमारे यहाँ है और गीता भी दे रहे हैं, पुस्तक भी दे रहे हैं और प्लस वृक्ष भी दे रहे हैं। ना आज वितरण कर रहे हैं वृक्ष, कितने लोगों को वितरण करते हैं तीमारदारों पीड़ितों को? 1000 वृक्ष हम लोग बांट रहे हैं और ये क्रम आगे भी हम लोग दूसरे जगह फिर करेंगे। अभी हम लोग ने शुरुआत की है, एक यहीं से शुरुआत की गई है केजीएमयू से। तो यहाँ पर तमाम सारे लोग भी बीमार लोग आते हैं तो ये उनके स्वास्थ्य के प्रति भी एक जागरूकता है। जी राहुल राज जी का कहना है कि स्वास्थ्य के प्रति जो दिक्कतें होती है वो कहीं ना कहीं जीवन में पेड़ पौधे का एक महत्व होता है, जो गीता पाठ की पुस्तक में दर्शाया गया है, बताया गया है कि पेड़ों के प्रति हमारे जीवन में क्या अहम रोल है। वीडियो जर्नलिस्ट अरशद खान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।